हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। आज उसी को कैरी ऑन करते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। अब ग्राफ कई टाइप के ग्राफ होते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब जो ग्राफ जो बनते हैं ना वो ऐसे नहीं कि बस बना दिए कोई भी इक्वेशन उसके लिए बनेगा, नहीं। सभी ग्राफ के लिए पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। अगर वो इक्वेशन बनती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अगर वो पैराबोला की इक्वेशन है तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। हाइपरबोला है तो हाइपरबोलिक बनेगा। सर्कल है तो सर्कल का बनेगा। इलिप्स का है तो इलिप्स का बनेगा। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो इतने टाइप के ग्राफ है, उन सभी ग्राफ के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हम अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c। अब इस इक्वेशन को पढ़े अच्छे से, इसमें क्या क्या दे रखे हैं वो चीज सब पढ़े आपके लिए। सब सब कुछ है जो नया है यहाँ पे। तो y यहाँ पे क्या है, y एक्सिस x x एक्सिस, m जो है ना, m ये m m is slow, m is slow। अब सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। सी यहां पे क्या है, इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे हम इंटरसेप्ट क्या है, तो आप समझ जाओ उसमें इंटरसेप्ट कैसे क्या है वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप को किससे हम निकालते हैं। तो जैसे हम कह दें कि भाई कोई भी ग्राफ है, जैसे हम कह दें स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। हम पर्टिकुलर ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, विदाउट एनी इक्वेशन। तो ये y एक्सिस, ये कौन सा x एक्सिस। तो ये जो स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखी मैंने, ये स्लोप इस x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहे थीटा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं, एंगल मेड बाय द टेंजेंट, एंगल मेड बाय द टेंजेंट तो बता दो स्लोप आपको, एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने डेफिनेशन बताई है, ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए, कर्व करो होगा जनरल कोई भी कैसा भी हो, चाहे करो हो ग्राफ हो, उस सभी ग्राफ की करो का स्लोप हम कैसे निकालते हैं वो दिखाया मैंने आपको। एंगल मेड बाय द टेंजेंट, टेंजेंट कैसे डालते हैं, किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन डाल दो वो टेंजेंट कहलाता है। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही, उसी डायरेक्शन के साथ ही हमें क्या बनाना है, एक एंगल बनाना है, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से मैंने बना दिया कि भाई स्ट्रेट लाइन का था। अब स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, फॉर द स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन आप बताओ एंगल क्या चेंज होगा इस एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं ये डाल दूं तो यहां कितना होगा थीटा, अगर उसको और आगे बढ़ा दूं तो ये कितना होगा थीटा, ये एंगल सभी क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो फॉर स्ट्रेट लाइन जो स्लोप है इज रिमेन्स कांस्टेंट, इज रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पूरी फिजिक्स में हर जगह काम आएगा आपके
तो अच्छे से इसको नोट करने पर कि सबसे पहले स्लोप क्या है, स्लोप की डेफिनेशन है, मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए आपको स्लोप निकालने बताया, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ ये जो एंगल बना रहे हो ये उसका स्लोप कहलाएगा, और ये स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि जो थीटा है वो थीटा चेंज नहीं हो रहा। अब दूसरी बात, अगर थीटा इफ ये मिटा रहा बेटा मैं, इफ थीटा इज लेस देन 90, पढ़ा होगा आपने, इसको एक्यूट एंगल बोलते हो, एक्यूट एंगल, ठीक है, देन जो स्लोप है इसको एम से डिनोट कर रहे हैं, इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो, अगर थीटा लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल बना रहा हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो जो स्लोप कहलाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। नंबर सेकेंड, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, मींस ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देन जो एम आएगा, एम वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, वो एम नेगेटिव कहलाएगा। ये दो बातें नोट करना अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लोप के थीटा लेस देन 90 एंड थीटा ग्रेटर देन 90, फिर बता रहा हूं थीटा ओनली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इस स्ट्रेट लाइन के लिए, अगर मान लो ये ग्राफ कर्व हो, कैसे भी आते जैसे, तो नोट कर लेने का, ठीक है बेटा, उनको मैं अब जैसे ये कर्व आ गया, इसमें ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है इसमें कि बस हर पॉइंट पे, मान तीन पॉइंट मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट मान ली मैंने कि ए पॉइंट, ये एग्जैक्ट इसका ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको मैं बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। फिर दोबारा एक कोई क्यों हमारा मान लेता हूं मैं डी पॉइंट, इन चारों पॉइंट का हमें स्लोप बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या करोगे, इन चारों पॉइंट के ऊपर क्या डाल दोगे, टेंजेंट। देखो सबसे पहले हम ए के लिए देखेंगे, ए का बताओ स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो क्या बताया मैंने स्लोप के लिए आपको, कि एंगल बनाना है टेंजेंट के साथ, एक टेंजेंट डालो, टेंजेंट क्या होगा स्ट्रेट लाइन, तो इसके साथ में स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगी बेटा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब बताओ मेरे को कि इसमें जो एंगल बना इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ, ये जो थीटा है, ये थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 है, ये थीटा है लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 है इसका मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है, स्लोप स्लोप फॉर ए, स्लोप फॉर ए कैसे आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, यह एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं किसके लिए, सी के लिए, सी के लिए बी छोड़ दूंगा, सी के लिए, तो इसके स्ट्रेट लाइन डालो, टेंजेंट डालो इसके, ये टेंजेंट आ गए। अब इस टेंजेंट का ये एंगल देखो, ये एंगल बताओ कितना बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा ना, किससे, 90 से, तो दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो सी के लिए फॉर सी एम जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसके लिए नेगेटिव होगा। डी के लिए देखो, डी का टेंजेंट डाल दो, डी का टेंजेंट डालोगे तो डी का टेंजेंट डालेंगे तो बेटा ये तो आएगा, तो डी के लिए ये एंगल थीटा, अब थीटा वापस क्या है, ये लेस देन 90, तो फॉर डी के लिए एम जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बस क्या क्या, बी, बी के लिए टेंजेंट क्या होगा, इस बी के लिए टेंजेंट ये बनेगा, ये बनेगा बी के लिए टेंजेंट, ठीक है। अब बताओ
बी के लिए ग्राफ ना बी के लिए जो स्लोप होगा वो कैसा होगा। इस बी का ये जो बी लाइन है आपको सब सब दिखी होगी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। अब जब बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ना तो थीटा इक्वल टू 90 लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 कंडीशन नहीं है। सिंपल सी बात है इसके लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा जीरो। और जब थीटा जीरो हुआ तो जो स्लोप आएगा वो भी कितना आएगा जीरो। तो फोर बी एम जो आएगा वो कितना आएगा जीरो, देयर इज नो स्लोप। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लें। तो मैंने जो मेन बात आपको बताई एंगल मेड बाय द टेंजेंट, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाल दो पॉइंट ए पे बी पे, ये बी पॉइंट था सी पे डी पे, किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो अगर उसका एंगल एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेस देन 90 है तो एंगल पॉजिटिव कहलाएगा, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव कहलाएगा, और इक्वल टू जीरो है तो स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे स्लोप है, स्लोप का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसके ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं हम उसकी इक्वेशन ले लेते हैं पहले ये इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहे हैं और मान लो इक्वेशन इस जैसे ही बन गई है कि पहले ये बनी मान लो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इसका मतलब यहां पे c है वो जीरो है, कितना है जीरो। तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा अब वो ग्राफ बनाओगे चार कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहां पे आप बताओ ये एम की वैल्यू यहां पे इसका ये माइनस लगा हुआ एम क्या है पॉजिटिव है, यहां एम जो है वो पॉजिटिव है। एम पॉजिटिव है थोड़ी देर पहले बताया था, एम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो टेंजेंट डालोगे उसके साथ एंगल क्या बनेगा लेस देन 90। ठीक है, सी क्या होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहां पे है जीरो, इंटरसेप्ट किसका था अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस वो कितना है जीरो। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से प्लस वाई या माइनस वाई से कितने डिस्टेंस पे हमें ग्राफ खींचना है, इसका मतलब यहां पे इंटरसेप्ट कितना है जीरो। इंटरसेप्ट जीरो मीन्स कहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो बताओ कैसा बढ़ेगा ग्राफ, स्टार्ट होगा ओरिजिन से होगा स्ट्रेट लाइन जिसमें थीटा क्या होगा लेस देन 90, तो सिंपल सा ग्राफ यही तो बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल बन जाएगा थीटा, ये थीटा बन जाएगा लेस देन 90। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। इसके लिए अगर ये ग्राफ होता बी y इज इक्वल टू क्या बेटा एम एक्स प्लस सी के लिए, अब बताओ y को एम एक्स प्लस सी के लिए क्या बनती है, इसके लिए इक्वेशन इक्वेशन दी होगी, इसके लिए ग्राफ क्या बनता है, इसके लिए ग्राफ ये बन जाता है ये y एक्सिस हो गया ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, इसमें स्लोप इसमें कैसा है पॉजिटिव है, m क्या है पॉजिटिव, थीटा क्या आएगा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, और सी कैसा है पॉजिटिव, मतलब इस ओरिजिन से कहां से स्टार्ट किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट जो कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो डिस्टेंस कहलाएगी सी, ये सी है। ठीक है, अब यहां से आपको ग्राफ खींचना है और जो कि एम को क्या दिखाना आपको पॉजिटिव इन एंगल दिखाना लेस देन 90, तो ग्राफ कैसे बनेगा बड़े इसका ग्राफ मिल जाएगा इस टाइप। ये ग्राफ इसका और ये जो थीटा है ये थीटा क्या बन जाएगा बेटा लेस देन 90। तो ये ग्राफ बनेगा यहां से स्टार्ट होगा, ये उसका इंटरसेप्ट होगा अलोंग वाई एक्सिस सी, यहां से आता डिस्टेंस सी, और इस पॉइंट के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो क्या बनेगा लेस देन 90। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। और देखो आगे जैसे तो नोट कर लेना, नेक्स्ट अगर ऐसा ग्राफ बन जाए, इक्वेशन बन जाए कैसे, उनके एग्जाम्पल होता हूं आपको सभी एक एक करके। जैसे सी वाई बन गया मान लो एम एक्स माइनस सी, इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन जाए, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, स्लोप कैसा है, एम क्या है, एम पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 90, ना सॉरी ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, थीटा क्या है लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 बाय देन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और सी कैसा है नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है मींस लेस देन 0 है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव मींस नेगेटिव वाई एक्सिस नॉट पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इस ओरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा, ये नेगेटिव वाई होगी, ठीक है, ये क्या होती है नेगेटिव एक्स। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, यहां से इस पॉइंट से, तो इसके लिए क्या बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, ये जो डिस्टेंस आएगी यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सी इंटरसेप्ट, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा, एम क्या दिखाना है पॉजिटिव, एम पॉजिटिव दिखाना है, एंगल क्या होना चाहिए लेस देन 90, किसके साथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, तो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बन जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा थीटा, दिस इज लेस देन 90, तो ये ग्राफ बनेगा इसके लिए फिट फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है। आगे देखो अगर मान लो इक्वेशन आ जाए कैसे, नंबर डी इसे दे देता हूं मैं, इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और प्लस सी, अब इसका बताओ कैसे बनेगा, तो यहां पे m जो है स्लोप वो क्या है नेगेटिव, m नेगेटिव का मतलब वही बात है कि भाई लेस देन 0, ठीक है, अब जो थीटा आएगा वो आपको पता है क्या आएगा ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस, c क्या है पॉजिटिव, c पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो बताओ m नेगेटिव थीटा 90 बनाना है, c पॉजिटिव लेना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है, अब बताओ c कैसा है पॉजिटिव मतलब यहां से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, ये डिस्टेंस यहां से आते क्या हो जाएगी c, उसके बाद स्लोप कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 90 के लिए, अब ग्रेटर देन 90 स्ट्रेट लाइन का बनना चाहिए, तो बेटा इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ ये बन जाएगा, तो यहां से ये जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सी पॉजिटिव है और m नेगेटिव दिखाना है तो थीटा क्या मतलब ग्रेटर देन 90, तो ये इसके लिए बन जाएगा। आगे अगर मान लो ग्राफ बन जाए ऐसे इक्वेशन आ जाए, नंबर की y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और माइनस सी, अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ सबसे पहले वही बात है, फिर m जो है वो क्या बेटा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, m नेगेटिव है इसका मतलब जो थीटा आएगा वो ग्रेटर देन 90 आएगा, उसके बाद c क्या है नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है मतलब लेस देन 0, तो अब बताओ इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, फिर वही ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है, ग्राफ कहां से स्टार्ट, नेगेटिव y एक्सिस से, नेगेटिव y एक्सिस मान लो ये है इस पॉइंट से स्टार्ट, यहां से तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो c तो हो गया नेगेटिव, अब हमें m भी क्या दिखाना है नेगेटिव, एंगल क्या दिखाना है लेस देन ना सॉरी ग्रेटर देन 90, तो इसके लिए ग्राफ ये बन जाएगा बेटा ये पॉइंट वाले, तो ये स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर इधर नहीं, ये जो एंगल होता है ये तो हो जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो नेगेटिव एक्स ये नेगेटिव एक्स का नहीं बना ग्राफ,
हमें जो ग्राफ बनाना है वो पॉजिटिव एक्स के साथ बनाना है, तो पॉजिटिव एक्स के साथ ये जो एंगल होगा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 90, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, सी। तो ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ बन जाएगा माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये पांच टाइप के ग्राफ होते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कहाँ कैसे काम आते हैं, कैसे इक्वेशन बने। ये तो मैंने जनरल इक्वेशन मान दी, इन सब के अंदर इसको ग्राफ बना दिए। अब जैसे मान लो क्या इक्वेशन आए फिर बताना उसमें, ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। उसके बाद जैसे इक्वेशन ये आ गई, क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, बताओ ग्राफ कैसे बढ़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो क्या करें हम सबसे पहले y निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगा बताओ, y की वैल्यू आ जाएगी इधर से जाएगी माइनस का, तो माइनस x एंड प्लस 4। अब इसको कंपेयर कर सकते हो किससे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस x एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को y एक्सिस x एक्सिस m, m क्या है स्लोप, तो जो m आया जो स्लोप आया उस स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस वन मतलब नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट क्या है, c प्लस एक्सिस है, कितनी वैल्यू इसकी 4। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है, n कैसा है नेगेटिव है। अब c की वैल्यू देखो पहले, तो c की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, कितनी है प्लस 4, तो c यहां ये c वैल्यू आ रहा है, ये c पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 4, ठीक है। उसके बाद यहां से डालना है ग्राफ जो कि नेगेटिव, अब स्लोप नेगेटिव है इसका और जो थीटा दिखाना है वो कितना दिखाना है ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा बेटा इस तरह से, जो कि ये जो एंगल दिखाएगा वो दिखाएगा ग्रेटर देन 90। अब यहां पर बात हो रहा है एम जो है वो नेगेटिव माइनस वन है, कितना है माइनस वन। अब स्लोप को निकालते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्लोप को, एक बात और बताता हूं आपको मैं, स्लोप जो हम निकालते हैं ये तो हो गया इसका स्लोप, तो जैसे वाई हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तो स्लोप निकालते हैं यहां से, तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो स्लोप जो आएगा वो आएगा टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा की इक्वल, टेन थीटा मीन्स कितनी हाइट कितना बेस कितना इंक्लाइन हुआ, तो कितना इंक्लाइन हुआ तो पता चलेगा कितनी हाइट पे हो, तो ये हाइट और ये बेस मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बीसी डिवाइड बाय एसी, बीसी डिवाइड बाय एसी, दिस इज स्लोप। तो अब यहां पर आप देखो क्या स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। अब जब एम की वैल्यू स्लोप की वैल्यू वन या माइनस वन है, ठीक है, तो स्लोप अगर वन है तो थीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा 45, क्यों टेन थीटा वन किस पे होता है 45 पे, लेकिन अगर इफ एम की वैल्यू माइनस वन है तो हमने सिखाया था कोऑर्डिनेट में, तो थीटा जो बनेगा वो बनेगा 135, तो 135 एंगल। तो हमारे पास अब बताओ इसके अंदर m की वैल्यू कितनी है माइनस वन, एम कितना है माइनस वन। अब माइनस वन का मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है बराबर, तभी तो वन होगा, बीसी और एसी अगर दोनों के दोनों बराबर होंगे तभी तो वैल्यू क्या आएगी वन आएगी। अब ऐसे ही माइनस वन का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में गुणित क्या सी है बराबर ही, बस उन्हें क्या फर्क है कि भाई यहां से ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस, इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल 135 बन रहा है, इसलिए नेगेटिव। बस मेन बात वही है कि दोनों की वैल्यू क्या है बराबर ही है, एंगल एंगल का डिफरेंस ओनली बस। तो
ये जो हमारे पास मैं नाम वही दिया, ये नाम था हमारे पास ए, ये पॉइंट है जैसे बी, ये पॉइंट क्या हो गया सी, ठीक है, सी पॉइंट इंटरसेप्ट, सी जो पॉइंट है, तो ए बी और ए सी दोनों क्या होंगे बराबर, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा 135, ये 4 है, इसका मतलब ये भी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 4, ठीक है, तो यहां ए सी और ए बी दोनों के दोनों बराबर है, ए सी और ए बी दोनों डिस्टेंस बराबर है, तभी स्लोप की वैल्यू क्या है 1 या माइनस 1, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, इस पूरी फिजिक्स में काम आएगा हमारे, तो इस टाइप की इक्वेशन x plus y equal to 4 आएगा, तो ऐसे ग्राफ बन गया, अगर मान लो इसे भी इक्वेशन में और आगे लेके चलूं, जैसे x minus y equal to 4 आ गए, अब बताओ अब क्या करेंगे इसमें, इसमें आ जाएगा भाई y निकालना हमें, तो y इधर जाएगा, y इधर जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा x minus 4, फिर वही बात है, इसको कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो y equal to mx plus c, तो यहां पे y एक्सिस, x एक्सिस, c इंटरसेप्ट, तो बताओ मेरे को m, m मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू 1 है यहां पे, 1 है यहां, 1, तो स्लोप अगर 1 है तो मैंने बताया था स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करोगे, tan थीटा से, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1, tan थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा 45, माइनस 1 हो तो 135, c इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है माइनस 4, बताओ ग्राफ कैसा आएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा इसका, कहां से स्टार्ट, इंटरसेप्ट माइनस 4, मान लो यहां से पॉइंट है ये माइनस y, ये माइनस x, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक कितनी है -4, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, अब स्लोप कैसा होना चाहिए, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या है ये, ये थीटा लेस देन 90, तो बताओ ग्राफ x एक्सिस के साथ ग्राफ बनाना है जो लेस देन 90 बनाए, तो ग्राफ ये तो आएगा, ये तो थीटा आएगा, ये थीटा लेस देन 90, ठीक है, और ये जो थीटा आया, ये जो थीटा आया एग्जैक्ट कितना होगा 45, अब जब ये 45 होगा तो वही नाम दे देता हूं मैं, ओ इसका नाम है ए नाम डाल दो, इसका नाम है बी नाम डाल दो, तो अब बताओ तो थीटा 45 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एंगल के सामने ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो ओ ए डिवाइड बाई ओ बी दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1 4, तो यहां भी ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों के बराबर है, तभी तो tan थीटा जो निकाला है मैंने ओ ए डिवाइड बाई ओ बी कितना है 1, ही तो होना चाहिए tan थीटा कितना आएगा 1, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन सकता, ठीक है, उसके बाद अब ऐसे एक इक्वेशन जो मैंने करवाई है वैसे आगे बनाते चलो इसको, और जैसे देखो एक बार दस इसे में ग्राफ क्या आ जाए, ये आ जाए x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा y यहां पे हो गया, इधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस x और माइनस 4, अब बताओ, तो यहां पे हम फिर उसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, स्लोप क्या आएगा माइनस और c माइनस, तो जो स्लोप है यहां पे
स्लोप है मीन्स टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस वन, क्या आनी चाहिए माइनस वन। तो एग्जैक्ट जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 135, मतलब ग्रेटर देन 90। क्लियर, पहली बात स्लोप की वैल्यू यानी एम की वैल्यू, एम या टेन थीटा, एम या टेन थीटा। दूसरा सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सी इसकी वैल्यू कितनी है माइनस फोर, कोई भी हो सकती है माइनस फोर माइनस टू, मैं फोर लेके चल रहा हूं तो फोर समझा रहा हूं सारा। तो ये अब इसके लिए ग्राफ बनाना क्या पड़ेगा, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, सी कैसा है माइनस फोर, तो कहां से आएगा ये माइनस वाई ये माइनस एक्स, बताओ बेटा कहां से, यहां से ओ पॉइंट ये पॉइंट ए मान लेता हूं, डिस्टेंस कितनी आएगी फोर। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है एम स्लोप, और स्लोप कितना है एंगल कितना है 135 ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 अगर मैं यहां डालू तो ये तो एंगल क्या बनेगा लेस देन 90, तो ये ग्राफ कहां बनेगा इधर बनेगा, ये ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा इसका थीटा, ये थीटा बन जाएगा एग्जैक्ट 135। ठीक है, ये एंगल आएगा 135। अब ये 135 है, ये कितना होगा आपको 45, क्यों टोटल तो 180 है ना, ये कितना होगा 45, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ये पॉइंट ओ ए, इस पॉइंट को मैं बी डाल देता हूं, अब आप बताओ क्या ये बराबर नहीं आएंगे, 45 है 1 होगा इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ ए ये ओ बी के बराबर होगी यहां भी, तो यहां भी ओ ए, ओ ए किसके बराबर ओ बी के बराबर, यानी अगर ये 4 है तो ये ओ से लेकर बी तक ये भी कितनी होगी 4। तो ये ग्राफ होते हैं स्ट्रेट लाइन के, इसमें से मैं आपको जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो इक्वेशन थी, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आते हैं जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे हम उसके लिए क्वेश्चन में लेके चलता हूं, और उसका ग्राफ बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, नोट कर लेना इसको, इफ क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ए पार्टिकल चेंज विद टाइम, विद टाइम कैसे, एज v इज इक्वल टू टी प्लस टू, ये आ गया मतलब टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो v आ जाएगा 3, टाइम को 2 रखोगे कितना हो जाएगा 4, 3 रखोगे तो 5, यानी इस तरह से वेलोसिटी ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ क्या हो रही है चेंज हो रही है। देन ग्राफ बिटवीन v एंड t क्या होगा, v और t के बीच में ग्राफ बनाना है, तो v और t की ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, फिर वही बात है हम इस इक्वेशन को देखेंगे, वही इक्वेशन कैसे बन रही है, हम इस इक्वेशन को देखो, हम इसको ये कह सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब y एक्सिस में क्या लेके चलेंगे वेलोसिटी, x एक्सिस में क्या लेके चलेंगे टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ टाइम ही निकालना है। इंटरसेप्ट कितना होगा प्लस टू, m स्लोप यह कितना है 1, तो एक एक करके बताएं सारी बातें। तो सबसे पहले तो फिर वही बात, स्लोप, स्लोप मींस m और tan थीटा कितनी वैल्यू है 1, कितनी है 1, तो एग्जैक्ट थीटा कितना होगा 45, 45 या 45 हो गया। दूसरी बात अब आ गया सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सी, सी की वैल्यू कितनी है प्लस टू, प्लस टू, अब बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलोंग क्या है वेलोसिटी, तो हम इसको क्या लिख देंगे
कि भाई इधर जो हमारे पास है वो आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, लिखो दे दो सी वाई, और इधर हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा टाइम, इधर क्या आ जाएगा टाइम, इधर होगी वेलोसिटी, इधर होगी टाइम। अब स्लोप जो हमारे पास है वो थीटा एंगल 45 है, मतलब क्या है लेस देन 90, ठीक है। अब लेस देन 90, दूसरा इंटरसेप्ट कितनी वैल्यू है प्लस 2, प्लस है तो प्लस मतलब यहां से स्टार्ट, यहां से ये वैल्यू, तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक बनेगी एग्जैक्ट ये दो बनेगी, ये वैल्यू आएगी डिस्टेंस होगी 2 होगी। स्लोप यहां से स्टार्ट होगा, अब यहां से स्टार्ट होगा एम बी क्या दिखाना है पॉजिटिव, तो ग्राफ इसका अगर मैं इसको ऐसे डाल दूं तो थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 90, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये ग्राफ बन जाएगा इसका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब बताओ इसका एंगल, ये जो एंगल बना ये एंगल कितना बना, एग्जैक्ट 45 ही तो बना, और ये थीटा लेस देन 90 है नहीं है, है ना। तो अब फिर वही कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट ओ मान लेता हूं, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूं, तो यहां एम बी पॉजिटिव था सी बी पॉजिटिव था, तो ग्राफ इस तरह से बना। उसके बाद एंगल 45 इसका मतलब ओ ए किसके बराबर, ओ बी ए, इसका मतलब ये भी कितना होगा 2, तो ये ग्राफ बनेगा इन टाइप के इक्वेशंस के लिए। तो ये ग्राफ थे ओनली फॉर द स्ट्रेट लाइन, इस टाइप के ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इनसे बाहर नहीं होगा। तो इन ग्राफ को अच्छे से पढ़ ले, ओके, थैंक यू।